मूवी की शुरुआत में एक इंटरव्यू में एक आदमी पिछली मूवी में दिखाए हुए प्लेन सर्वाइवर्स के बारे में बताता है कि कैसे एक एक करके सभी की मौत हो जाती है और बताता है कि एलेक्स ने मौत के डिजाइन से छेड़छाड़ की थी, लेकिन डेस्टिनी ने किसी को नहीं छोड़ा। आगे दिखाते हैं कि किम्बरली नाम की लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही होती है, तभी हाईवे पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में खाली कैंस का बैग होता है और वो गिर जाते हैं। सभी उस लेडी पर हंसते हैं और आगे चल देते हैं। रेडियो पर वो सुनते हैं कि आज ही के दिन एक साल पहले वो प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें माउंट इब्राहिम स्कूल के 40 बच्चे और टीचर्स मारे गए थे। तभी वहाँ एक ट्रक जिसपे वुडलॉक्स होते हैं बहुत तेजी से निकलता है। वहाँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एक पुलिस ऑफिसर, एक प्रेग्नेंट लेडी और ड्रग एडिक्टेड लड़का। किम्बरली को वहाँ कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वहाँ कुछ होने वाला है। उसे वहाँ अजीब से संकेत मिलते हैं। अचानक से आगे चल रहे ट्रक से वुडलॉक्स नीचे गिर जाते हैं और सीधा पीछे से आ रही पुलिस कार से टकराते हैं। उसकी वजह से वहाँ पीछे से आ रही गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है और वहाँ काफी लोग मारे जाते हैं। किम्बरली की गाड़ी पलट जाती है, वो घायल है। तभी वो सामने से आते एक बेकाबू ट्रक को देखती है जो उनसे टकराने ही वाला होता है। तभी किम्बरली की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। तभी अचानक वही बुढ़िया वहाँ आती है जिसे किम्बरली ने सपने में देखा था और उसके कैन फिर से गिर जाते हैं। किम्बरली सबको बताती है कि आगे एक एक्सीडेंट होने वाला है और कैसे वो सब लोग मारे जाएंगे। वो गाड़ी घुमा लेती है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसके पहुँचने पर किम्बरली बताती है कि उसने अभी एक सपना देखा था जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। वो ट्रक वहाँ से गुजरता है जिसपे लॉक्स रखे होते हैं और किम्बरली के बताए अनुसार वहाँ हादसा हो जाता है और गाड़ियाँ टकरानी शुरू हो जाती हैं। तभी एक ट्रक आता है और इससे पहले वो किम्बरली को टक्कर मारता, पुलिस ऑफिसर उसे बचा लेता है, लेकिन वो किम्बरली के दोस्तों को कुचल देता है। सब लोग जो इस हादसे से बच गए थे उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ किम्बरली सबको बताती है कि उससे पूर्वाभास हुआ था कि वहाँ एक बड़ा हादसा होने वाला है, जैसे एक साल पहले एलेक्स नाम के लड़के को हुआ था। आगे एक आदमी बताता है कि प्लेन से जितने भी लोग बचे थे एक एक करके बाद में सब मारे गए, क्योंकि मौत आती है तो सबको लेकर ही जाती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर बताता है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है जिसका नाम क्लियर है, वो एक असाइलम में भर्ती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़का जिसकी कुछ दिन पहले लॉटरी लगी थी वो काफी शॉपिंग करके आता है। ये भी उस हादसे वाले दिन मौजूद था और बच गया था। वो घर आते ही वहाँ पुरानी पड़ी नूडल्स को सड़क पे फेंक देता है और अपने लिए कुछ खाने का बनाना शुरू कर देता है। वो फ्रिज में रखे हुए नूडल्स ओवन में रख देता है, लेकिन उसके नूडल्स के बॉक्स में फ्रिज पे लगा मैग्नेट गिर जाता है। वो सोने की घड़ी और रिंग पहनता है, तभी ओवन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उससे रिंग सिंक में गिर जाती है। वो जैसे ही सिंक में हाथ डालता है घड़ी की वजह से उसका हाथ फंस जाता है। तभी वहाँ पैन में आग लग जाती है, उसे बुझाने के लिए वो एक कपड़े का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पूरे घर में आग फैल जाती है। वो चेयर की मदद से खिड़की तोड़कर बाहर सीढ़ियों तक पहुंचता है, लेकिन उतरते वक्त एक सीढ़ी जाम हो जाती है, पर वो सुरक्षित नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर उन्हीं नूडल्स पे फिसल जाता है जो उसने फेंकी थी। ऊपर से अटकी हुई सीढ़ी उसकी आंखों में धंस जाती है और वो मर जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर प्लेन हादसे में बचे हुए लोगों की जांच करता है और वह पता लगाता है एलेक्स सर पर ईंट गिरने से मरा था। बाकी लोग न्यूज में देखते हैं कि इवंस नाम के लड़के की मौत हो जाती है और यह वही लड़का है जो हाईवे पर हुए हादसे में उनके साथ बचा था। यहाँ सब लोगों को लगता है मौत उनके पीछे आएगी। किम्बरली प्लेन हादसे में बची हुई लड़की क्लियर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। क्लियर बताती है कि फ्लाइट में लोग जिस क्रम से बैठे थे उसी क्रम से मारे गए। वहाँ किम्बरली बताती है कि वो भी अपने फ्रेंड के साथ मारी जाती अगर पुलिस ऑफिसर पर उसे ना बचाते, और यहाँ से उसे पता चलता है कि मौत इस बार उल्टे पैटर्न्स में चल रही है। जो लास्ट में मरा था वो पहले मर रहा है। वो क्लियर से मदद मांगती है लेकिन क्लियर उसे मना कर देती। ऑफिसर बर को किम्बरली की बातों पर यकीन होता है और वो उस दुर्घटना में बचे हुए सभी लोगों को मिलने के लिए बुलाता है। उससे पहले ही हादसे में बची हुई नूरा और उसका बेटा डेंटिस्ट के पास जाते हैं।
वहाँ डेंटिस्ट लड़के का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तभी एक कबूतर कांच तोड़ के अंदर आ जाता है। डेंटिस्ट उसे पकड़ने लगता है, तभी एक टॉय लड़के के मुंह में फंस जाता है और उसकी सांस रुकने ही वाली होती है, और तभी एक नर्स आके उसे बचा लेती है। बर्क एंड किम्बरली दोनों माँ बेटे को सावधान करने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही एक बड़ा कांच का टुकड़ा लड़के के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इवंस की मौत की खबर सुनकर क्लियर भी उनकी मदद करने आ जाती है। वो लोग शव गृह में एक आदमी से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो मौत को चकमा दे सकते हैं अगर कोई नई जिंदगी इस दुनिया में आ जाए, और उसके लिए उन्हें सारे संकेतों को पढ़ना होगा। वहाँ किम्बरली को एक सपना दिखता है जिसमें एक व्हाइट वैन पानी में डूब रही है। तभी उन्हें एहसास होता है कि हाईवे पर एक प्रेग्नेंट औरत थी, और अगर वो उनके बच्चे को बचा ले तो मौत हार जाएगी। बर्क अपने पुलिस होने का फायदा उठाता है और उस लेडी को ढूंढना शुरू कर देता है। अगले दिन सब लोग बर्क के घर जाते हैं, जहाँ लिफ्ट का गेट थोड़ा खराब होता है। किम्बरली वहाँ बताती है कि अगला नंबर नोरा का है, जिसका लड़का कुछ दिन पहले ही शीशा गिरने से मरा था। वहीं पुलिस प्रेग्नेंट लेडी को ढूंढ लेती है, और यहाँ नोरा अपने घर जाने लगती है और कहती है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए, क्योंकि उसका बेटा तो मर चुका है। वहीं वो बाइक वाला आदमी जिसका नाम यूजिन था, वो भी जाने लगता है। दोनों लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ एक आदमी कुछ पुतलों के साथ होता है। उनके हाथ में हुक लगे होते हैं। घर पर किम्बरली और बाकी लोगों को संकेत मिलता है कि हुक वाले इंसान से बचना है। वो लोग नोरा को फोन करके आगाह करते हैं। तभी नोरा के बाल हुक में फंस जाते हैं और घबराते हुए लिफ्ट से बाहर जाती है, लेकिन उसकी गर्दन गेट में अटक जाती है, और इससे पहले उसे बचा पाते उसकी गर्दन अलग हो जाती है। तभी यूजिन वापस आता है और बंदूक निकाल के खुदकुशी करने लगता है, लेकिन गोली नहीं चलती और वो बच जाता है, जबकि बंदूक फुल होती है, लेकिन वो नहीं मरता क्योंकि उसका नंबर अभी नहीं आया। आगे दिखाते हैं प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। एक दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, और दूसरी ओर सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। रास्ते में उन लोगों की गाड़ी का टायर फट जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। रोरी यहाँ फार्म पे एक लड़के ब्रायन को न्यूज वैन से टकराने से बचा लेता है। यहाँ यूजिन घायल हो जाता है और एक लेडी सीट पर अटक जाती है, लेकिन एयरबैग खुलने से उसकी मौत हो जाती है, और पेट्रोल लीक होने की वजह से आग लग जाती है, जिससे ब्लास्ट होता है और तारों से एक आदमी रोरी मारा जाता है। अब यहाँ सिर्फ बर्क, किम्बरली और क्लियर बचे होते हैं। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को देखने। वहाँ वो बच्चे को जन्म दे देती है, और सबको लगता है कि उन्होंने मौत को चकमा दे दिया। तभी किम्बरली को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी तो हादसे में मरी ही नहीं थी, तो वो इस मौत के चक्कर से बाहर है। क्लियर यूजिन को देखने जाती है, जहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका होता है और क्लियर एंड यूजिन भी मारे जाते हैं। तभी किम्बरली सारे संकेतों को जोड़ती है, तो बताती है कि यह सब रोकने के लिए उसे ही मरना होगा, ताकि डॉक्टर उसे बचा सके और एक नई जिंदगी दे सके। इससे मौत का क्रम टूट जाएगा, और वो वैन लेकर झील में कूद जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन बर्क वहां आकर उसे बाहर निकाल लेता है। फिर हॉस्पिटल में दिखाते हैं उसकी सांसें नहीं चल रही, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेता है। यहां उन्हें लगता है कि उसे नई जिंदगी मिली है और उन्होंने मौत को हरा दिया। आगे दिखाते हैं किम्बरली और बर्क अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहे होते हैं। तभी वहां उनकी फैमिली का एक मेंबर ब्रायन बारबेक्यू के पास जाता है, और वहां ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। ये वही लड़का था जिसे फार्म पर रोरी ने न्यूज वैन से बचाया था, और यही मूवी खत्म हो जाती है।